स्किन में किसी भी प्रकार का सन डैमेज हो गया है, स्किन में रेडनेस आ गई है, स्किन में रिंकल फाइलेंस का अपीयरेंस समय से पहले आपको अपनी स्किन में दिखने लगा है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, इस टाइप की कोई भी कंडीशन है, तो ये जो ऑरेंज पील पाउडर आप अपनी स्किन में शामिल कर लेते हो, आपकी स्किन की इन सारी प्रॉब्लम को ये खत्म करता है। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट भी करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी DIY रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप लगातार 7 दिन कर लेते हो तो बस आपकी स्किन में जादू करने वाला है। जी हाँ मैं सिर्फ ये कह नहीं रहा हूँ, वाकई इसका रिज़ल्ट इतना वंडरफुल है, जैसे कि थंबनेल देख के आप जान गए हो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस प्रकार संतरे के छिलके के पाउडर को किस प्रकार हम अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करके अपनी स्किन को लाइटन और ब्राइटन कर सकते हैं। यानी दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि इंटायर बॉडी के लिए। बल्कि जब बात आती है स्किन के लिए तो विटामिन सी हमारी स्किन में दाग धब्बों को रिड्यूस करके स्किन में रिंकल फाइलेंस का अपीयरेंस कम करता है। इसके साथ ही साथ स्किन में किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट हो, डार्क सर्कल हो, इनको कम करता है, स्किन टोन को लाइट करता है। इसके साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अगर आप 30+ हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी। इसके साथ ही साथ विटामिन सी हमारी स्किन में कोलाजन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, जब भी स्किन को ब्राइट और गोरा करने की बात आती है तो आप अगर मार्केट में कोई भी क्रीम लेने जाओगे तो उसमें विटामिन सी का ज़रूर से ज़रूर यूज़ होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन में ना सिर्फ कोलाजन को बूस्ट करता है जिससे हमारी स्किन यूथफुल बनती है, यानी जवान बनती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, इसके साथ ही साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। इसके बहुत सारे लोग विटामिन सी युक्त महंगे महंगे सीरम लेते हैं, मार्केट में विटामिन सी युक्त सीरम आते हैं। आजकल वैसे भी विटामिन सी युक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, लेकिन आप घर पे ही सिंपल से जो संतरे के छिलके हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आप उन संतरे के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना के अपने स्किन केयर में अगर उसको शामिल कर लेते हो तो विश्वास कीजिए, इस वीडियो में आपके साथ 3 स्टेप में फेशियल, ऑरेंज फेशियल या फ्रूट फेशियल आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसे गोल्ड फेशियल भी कह सकते हो, उसका रिज़ल्ट इतना वंडरफुल है कि आपकी स्किन को ये इंस्टेंट स्मूथ सॉफ्ट तो करेगी। जी हाँ, एक बार इसको फॉलो करके देखिए, अगर रिज़ल्ट ना मिले तो वापस आके मेरे इस वीडियो में आप नेगेटिव कमेंट या फिर आपको जो भी लग रहा है कि इसने वर्क नहीं किया ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाओगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसके बाद एज इट इज़ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। मैं खुद से मैंने इसको यूज़ किया है, उसके बाद ही आपके साथ ये इसका फीडबैक शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली हमें इसको 3 स्टेप में फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा स्किन को क्लीन करना, ये एक नॉर्मल और ज़रूरी स्टेप होता है, कोई भी चीज़ आप करते हो पहले अपने चेहरे को साफ ज़रूर करें। तो उसके लिए मैंने कच्चे दूध को लिया, कच्चे दूध को कॉटन में लगा के पूरे चेहरे में अप्लाई करके तकरीबन 30-40 सेकेंड इसको रब करें, उसके बाद कॉटन से या टॉवल से साफ कर दें, इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा, धूल मिट्टी वगैरह साफ हो जाएगी, इसके बाद आपके पोर्स भी साफ हो जाएंगे। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन में डेड सेल को रिमूव करके आपकी स्किन या आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट भी करता है। यानी इसके अलावा मेरी स्किन यहाँ पे ड्राई है, इसलिए मैंने दूध का यूज़ किया, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यहाँ रोज़ वाटर का यूज़ करें। सेकंड स्टेप है कि हम अपनी स्किन में मसाज करेंगे, एलोवेरा जेल एंड आइस क्यूब यानी बर्फ़ के टुकड़े को लेना है, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं स्किन के लिए, क्योंकि गर्मियों में कई बार हमारी स्किन में सनबर्न हो जाते हैं, रैसेज हो जाती है, स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है, इरिटेट होती है, खुजली वगैरह जलन जैसी होती है, तो ये जो स्टेप है आपकी स्किन को सूद करेगा, ठंडक पहुँचाएगा, स्किन में रिंकल्स को इरेज करेगा, स्किन को सॉफ्ट सपल, इसके अलावा डीपली स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एलोवेरा जेल को पूरे चेहरे में अप्लाई करना है, उसके बाद बर्फ़ के एक टुकड़े को लेके पूरे चेहरे में अप्लाई करना है, उसके बाद आपको 2 टुकड़े बर्फ़ के लेके किस हल्के कपड़े में इसको बांध के आपको ऊपर से पहले बाद हमें फिर से एलोवेरा जेल अप्लाई करना है चेहरे में, उसके बाद बर्फ़ के टुकड़ों को किसी कपड़े में बांध के, क्योंकि बर्फ़ को बहुत ज़्यादा हमें डायरेक्ट अपनी स्किन में नहीं अप्लाई करना है, तो कपड़े में आपको बांध के हल्के कपड़े में बांध पूरे चेहरे में बर्फ से आपको मसाज करना है, यानी एलोवेरा जेल आपके चेहरे में लगा होना चाहिए, उसके बाद ऊपर से आप बर्फ़ के टुकड़ों को
किसी कपड़े में लपेट के आप ऊपर से मसाज करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करते करते आप इंस्टेंट आप देखो कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सूद, बहुत ही रिलैक्सिंग फील कर रही है, उसके साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट। इसके अलावा आप एक पिंकिश ग्लो देखोगे, यानी आपका जो चेहरा है इंस्टेंट गुलाबी हो चुका होगा इसको मसाज करते करते। जी हाँ, क्योंकि बर्फ हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को हाई कर देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ये डबल वर्क करता है। इस स्टेप को 7 मिनट करने के बाद आपको इसको रिमूव नहीं करना है, इसी के ऊपर हमें थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप के लिए हमें क्या करना है, हमें एक फेस पैक तैयार करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे लेना है 1.5 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, यानी संतरे के छिलके का पाउडर लेना है। जी हाँ, संतरे के छिलकों को आप घर पे सुखा के इसका पाउडर बना सकते हो, अदरवाइज़ मार्केट में भी इसका पाउडर आता है वो ले सकते हो। उस पाउडर को लेना है। यहाँ पे 1/4 चम्मच चंदन पाउडर लेना है। चंदन पाउडर हमारी स्किन को ठंडक पहुँचा मिक्स करें। इसमें हमें लेना है 1/4 चम्मच एलोवेरा जेल। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच शहद को मिक्स करें। इस सारे मिक्सचर को हमें 1 चम्मच दूध मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको पूरा मिक्स करना है। एक टुकड़े बर्फ़ को इसमें डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप देखोगे ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है पिघल जाएगा, एंड आपका जो ये पेस्ट बनेगा काफ़ी ज़्यादा आप अपनी स्किन में अप्लाई करोगे सूद लगेगा। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आपकी स्किन यहाँ पे ऑयली है तो यहाँ पे दूध की बजाय आप यहाँ पे रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो। इसके अलावा इसमें मैंने 3 से 4 बूंदे कैरेट ऑयल की मिक्स करी है। अगर आपके पास कैरेट ऑयल यानी गाजर के तेल का तेल की रेसिपी, मेरे चैनल पे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो किस प्रकार मैंने बनाया है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। पास कैरेट ऑयल नहीं है तो बादाम का तेल या फिर नारियल के तेल की 2 से 3 बूंदें मिक्स कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी ना करें, जैसे मैंने बताया वैसे ही मिक्स करें। इसके बाद प्रिपेयर हमारा ये फेस पैक। इसको हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है, तो इसको पूरे चेहरे में अप्लाई करना है। उसके बाद छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के बाद। जब ये सूखने लगे आपको इसको गीले टॉवल से छुटा देना है, हटा देना है। चाहो तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट पानी से वॉश कर सकते हो। आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना है। हफ्ते में इसको 2 बार करें अच्छे रिजल्ट के लिए। लगातार आप 3 से 4 हफ्ते यूज़ करोगे, वैसे तो रिज़ल्ट आपको फर्स्ट वीक से दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगातार आप 4 वीक इसको यूज़ करोगे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पहले से फील होगा। जी हाँ, बहुत ही मिरेकुलस इसके रिज़ल्ट हैं। मेल एंड फीमेल यानी आदमी और औरत दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन वाले पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद इसको फॉलो करें। दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।